A beaker contains 200 gram of water. The heat capacity of the beaker is equal to that of 20 gram of water. The initial temperature of water in the beaker is 20 degrees Celsius. If 440 gram of hot water at 92 degrees Celsius is poured in it, the final temperature neglecting radiation loss will be nearest to. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बीकर है, ठीक है. बीकर कंटेन्स, ये जो हमारा बीकर है, बोला गया है बीकर में कितना है, 200 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है, 200 ग्राम ऑफ वाटर है. अब हीट कैपेसिटी जो बीकर का है वो बोला गया है 20 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, 20 ग्राम ऑफ वाटर बोला गया है. अब इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बीकर इज 20 डिग्री सेल्सियस. बीकर में जो पानी है इसका 20 डिग्री सेल्सियस बोला गया है इनिशियल टेम्परेचर है. अब क्या किया जाता है कि 440 ग्राम, ठीक है, 440 ग्राम वाटर एट 92 डिग्री सेल्सियस इसमें पोर किया जाता है और बोला गया कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है. तो देखिए ये जो हॉट वाटर है ना, 440 ग्राम जो हॉट वाटर है, ये जब इसमें पोर किया जाता है तो हीट लॉस होता है हॉट वाटर का और गेन होता है बीकर के पानी का और बीकर का, है ना. देखिए बीकर वही टेम्परेचर लेगा जो उसके अंदर कंटेंट है उसका टेम्परेचर हो. इसके अंदर का कंटेंट जो है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री इनिशियली है तो बीकर का भी 20 ही होगा. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हॉट बॉडी जो हीट लॉस करेगा, ठीक है, ये जो पानी डाला गया है, हीट लॉस जो होगा वो हीट गेन बाय 200 ग्राम ऑफ वाटर प्लस हीट गेन बाय बीकर, है ना, इतना होगा. तो देखिए हीट लॉस जो है वो हमारा कितना है, एम सी डेल्टा टी, है ना. तो एम हमारा कितना है, 440 ग्राम इसमें डाला जा रहा है, ठीक है, 440 ग्राम ऑफ वाटर डाला जा रहा है इंटू वन इंटू 92 से यह सम टेम्परेचर मान लीजिए थीटा तक जा रहा है. तो यहाँ पे 92 माइनस थीटा लिखते हैं, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं कि कुछ थीटा है, तो थीटा यहाँ पे लिख दिया. अब हीट गेन बाय 200 ग्राम ऑफ वाटर, तो कोल्ड वाटर जो बीकर में है उसका क्या हो जाएगा, वो है 200 ग्राम, है ना. तो 200 ग्राम इंटू वन इंटू ये थीटा तक पहुंचता है और इनिशियली इसका 20 था, प्लस वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बीकर कितना है, 20 है, ठीक है, और ये क्या हो जाता है, इंटू थीटा माइनस 20, ठीक है, ये हो जाता है. तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूँ फर्दर, तो देखिए जो थीटा का वैल्यू है ना वो निकलता है 68 डिग्री सेल्सियस, ओके. तो ये हमारे ऑप्शन टू में है जो हमारा राइट ऑप्शन है, ओके.